नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडी आई क्रिकेट में स्वागत है। यहाँ पर अलग अलग पदों पे भर्तियाँ निकाली गई है दोस्तों। राष्ट्रीय पेशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के अंतर्गत असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ और गर्ल्स, नर्स, मशीन मैकेनिक, उसके अलावा यहाँ जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, इन पदों पर यहाँ पर भर्ती है। पूरी जानकारी अभी आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, ये रही आपकी भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय पेशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वैकेंसी है। नियमित आधार पर ग्रुप सी पदों की भर्ती, यानी कि यहाँ पर परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट वार्डन के एक पद है, बॉयज़ के लिए, नर्स के लिए यहाँ पर वन, मशीन मैकेनिक के लिए तीन पद है, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए एक पद है, जूनियर असिस्टेंट के लिए सात पद है, लैब असिस्टेंट के लिए छः पद है। इस प्रकार ये भर्ती है। और यहाँ पर उक्त सारणी में वर्णित पदों हेतु हार्ड प्रति आवेदन पत्र प्राप्त करने की, यानी कि हार्ड प्रति आवेदन यानी कि ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो है अंतिम तिथि है 16 मई 2022 5:30 बजे तक निर्धारित की गई है। नोट दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उक्त भर्ती की पात्रता मापदंड, आवेदन फॉर्म इत्यादि के विवरण तथा भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रशिष्ट संशोधन समस्त जानकारी को केवल निफ्ट जोधपुर की वेबसाइट, तो देख सकते हैं ये जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे आप सर्च कीजिए गूगल में और आप सारी जानकारी पढ़ डालिएगा, पर अपलोड किया जाएगा। इस बार तो हेतु उक्त वेबसाइट का निरीक्षण अवलोकन करें, तो यहाँ पर ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों वेबसाइट पर कुछ जानकारी नहीं आई है, वेबसाइट पर जैसे जानकारी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी ये जानकारी आप लोगों के लिए आई है, जो कि मैंने आपको बताई है कि आवेदन 16 मई 2022 5:30 बजे तक किए जाएंगे ऑफलाइन तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लैब असिस्टेंट यानी कि 12वीं पास वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट 12वीं पास वैकेंसी है, असिस्टेंट वार्डन है, ये सारी वैकेंसियाँ दोस्तों 12वीं या कुछ डिप्लोमा वगैरह से रिलेटेड वैकेंसियाँ हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है, ऑफिशियल अपडेट है ये यहाँ पर निफ्टी की। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप बने रहिए स्टडी आईक्यू अकेडमी चैनल के साथ।